चांस मैम, बोल डी के 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 50 लाख के डिस्ट्रेस सेल में दिला रहा हूँ। लॉक कर दे। लॉक तो कर देता हूँ, पर क्या है ना, तुम्हारे डील में लोचे बहुत होते हैं। कोई लोचा नहीं होगा, बोल दिया लॉक कर दूँ तो लॉक कर दूँ। क्यूटी पाई क्यूटी पाई। नमस्कार, आदाब, मैं आर्यन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं और साथ ही साथ आप सबको सचेत भी करता हूं। वैसे तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, पर हमारे समाज में कई ऐसे प्राणी भी हैं जो अपना हित पूरा करने के लिए औरों का आहित करने से नहीं कतराते। कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो अपनी नाजायज आदतों का खर्च उठाने जुर्म के रास्ते पे चल पड़ते हैं, और वो अपनी साथ चलने वाले राहगीरों को भी लूटने से कतराते नहीं हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जुर्म के रास्ते पे चलने से शुरू में अगर सफलता मिल भी जाए, फिर भी अंततः उसका अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। आइए इस कहानी द्वारा एक उदाहरण हम देखते हैं। You're looking very beautiful today. Seriously. Thank you. This is very nice place. Yeah. Good. Come inside. Where you want to sit? Anywhere. Come inside. Okay. Sit here. Please sit. Thank you. Okay. Yes.
आज इतने दिनों के बाद अचानक से हमारी याद कैसे आई? जानम तुम्हें भूले ही कब थे, जो याद करना पड़ा। इसी बात पे और जाम हो जाए। नशा चढ़ा? नशा तो हमें आपका चढ़ा है, जो अब तक उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। इब्तिदाए इश्क का ये सुरूर है, तो अंजाम का क्या हश्र होगा? अंजाम के हश्र की किसको परवाह? ये लम्हे जो हमें आपके साथ नसीब हुए हैं, बस उसी में डूब जाना चाहते हैं। क्या बात है। Cheers. Cheers. तुम आ गए मेरे पैसे लेके? मन तो कर रहा है पैसों के साथ कुछ और भी ले लो। क्या कर रही है? छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। संगीता एक महत्वाकांक्षी और जिंदा दिल लड़की थी, पर अब वो मौत की आगोश में थी। संगीता की मौत से पहले पुलिस स्टेशन में एक अज्ञात नंबर से एक एमएमएस भेजा गया था, जो एमएमएस संगीता का अश्लील वीडियो एमएमएस था। आइए देखते हैं कि यह माजरा क्या है। हेलो पुलिस स्टेशन सर, एक लड़की का खून हुआ है, और खून किसने किया मैं आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। कौन बोल रहे हो तुम? एक अच्छा शहरी। लेकिन ये नंबर तो शहर का नहीं है, इंटरनेशनल कॉल है। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि कॉल इंटरनेशनल या लोकल है, इंपॉर्टेंट ये है कि एक लड़की का खून हुआ है। इन्फॉर्मेशन क्या है? आपके पुलिस स्टेशन में एक एमएमएस की कॉपी खूनी की डिटेल्स के साथ पहुंचा दूंगा। ठीक है।
तुम ही विशाल अरोरा हो जी। हम तुम्हें संगीता बजाज के खून के जुर्म में अरेस्ट करने आए हैं। क्या साहब, मैंने कोई जुर्म नहीं किया है। मैं बेगुनाह हूं साहब। हर मुजरिम क्राइम के बाद यही बोलता है। सर, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं बेगुनाह हूं? कोशिश भी मत करना, क्योंकि तुम्हारे खिलाफ हमारे पास बहुत सबूत है। सारा कच्चा चिट्ठा तुम्हारा हमारे पास है। सर, जब मैंने कोई जुर्म नहीं किया तो सबूत कैसा है सर आपके पास? 48 फोन कॉल्स एक्सचेंज हुए तुम्हारे और उसके बीच में, समझा? वो फोन कॉल्स सर, वो मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है सर। वो बहुत ही गिरी हुई औरत है सर। और तू बहुत मासूम है। तेरी मासूमियत का सारा कच्चा चिट्ठा हमारे पास पड़ा हुआ है, ये देख। देखा तेरी मासूमियत? ये आपको कैसे मिला? सवाल मत पूछ, ये काम हमारा है। जिंदगी भर कान से सुन नहीं पाएगा। बताता हूं सब कुछ सच सच बताता हूं। वो क्या है ना, संगीता और मैं कॉलेज में एक टाइम पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे सर। उसके बाद हमारा ब्रेकअप हो गया और उसके बाद उसने काफी अरसे के बाद मुझसे कांटेक्ट किया था सर। और हाँ, मिलने गया था सर उससे, और हमने एक पार्टी भी की थी सर, और हमारे बीच में फिजिकल रिश्ते भी थे सर। पर अगली सुबह सर एक MMS आया सर। वो MMS सर मेरे और संगीता के फिजिकल रिश्ते के बारे में था सर। सर, मेरी शादी तय हो गई थी सर, एक बहुत बड़े घर में, और मुझे डर था कि कहीं वो टूट ना जाए। सर उस MMS के बाद उस ब्लैकमेलर ने मुझे एक मैसेज किया। उस ब्लैकमेलर ने उस मैसेज में लिखा था मीटर डाउन। बस सर, मैं घबरा गया था। मैं मानता हूं साहब, मुझे बहकना नहीं चाहिए था, मुझसे गलती हो गई साहब। फिर अगले दिन संगीता का फोन आया साहब। हाँ संगीता, मुझे एक MMS आया। तुम्हें भी आया है? मतलब? मुझे भी आया है, और MMS भेजने वाले ने मुझसे पैसे मांगे हैं। शिट। विशाल, कि तुम मुझसे मिल सकते हो अभी? हाँ, मिलता हूँ। ओके, थैंक यू विशाल। अगर ब्लैकमेलर ने मेरा MMS वायरल कर दिया तो मैं कहीं की भी नहीं रहूंगी, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कितने पैसे मांगे उसने तुमसे? 5 लाख। ठीक है, यू डोंट वरी, मैं मैनेज करता हूँ कुछ। ओके, थैंक यू सो मच। ये लो पैसे। थैंक यू। आओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं, थैंक यू, मैं चली जाऊंगी। ओके, यू गो सेफ। बाय। हेलो, शाबाश, तुम तो पक्के प्रेमी निकले, जो अपनी पहली मोहब्बत को सरेआम रुसवा होने से बचाने के लिए 5 लाख रुपया खर्च कर सकता है। कौन हो तुम? इम्पोर्टेंट ये नहीं कि मैं कौन हूं,
इम्पोर्टेंट ये है कि मैं तुम्हारी लाइफ में कितनी तबाही कितना भूचाल मचा सकता हूँ और मैं ऐसा ना करूं इसके लिए तुम क्या कर सकते हो ये इम्पोर्टेंट है। कम टू द पॉइंट, क्या चाहिए तुम्हें? गर्लफ्रेंड रुस्वा ना हो इसके लिए 5 लाख खर्च करके आ रहे हो, खुद की शादी ना टूटे इसके लिए 50 लाख तो खर्च कर ही सकते हो। हाँ पागल हो गए तुम, इतने सारे पैसे मैं कहां से लाऊंगा? वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, सिंघानिया परिवार की इकलौती बेटी यानी कम से कम 20 करोड़ की पैरेंट चेक। अब 20 करोड़ पाने के लिए 50 लाख की इन्वेस्टमेंट ज्यादा तो नहीं है। सोच लो मैं तुम्हें 24 घंटे का समय दे रहा हूं, सिर्फ 24 घंटे, उसके बाद MMS नेट पे वायरल हो जाएगा। इस बात की क्या गारंटी है कि तुम मुझे फिर से ब्लैकमेल नहीं करोगे? मैं टीवी या फ्रिज नहीं बेच रहा जो तुम्हें गारंटी दूं, पर साहब बेईमानी का धंधा भी हम ईमानदारी से करते हैं। इट्स अ जेंटलमैन प्रॉमिस, ये फाइनल सेटलमेंट होगा। कहां मिलना है तुम्हें? मैं मिलूंगा नहीं, तुम्हें पैसे मेरे बता हुए पते पर रखना है, उसके बाद तुम भी आजाद और हम भी फारी। चला कि मुझे ब्लैकमेल करना संगीता की चाल थी तो जी किया कि मैं उसकी जान ले लूं। लेकिन सर मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं क्रिमिनल नहीं हूं? मैं एक आम परिवार का आम आदमी हूं। हम गुस्से में बदले के लिए खून करने की कल्पना कर सकते हैं लेकिन किसी का खून नहीं कर सकते। तुम सच कह रहे हो या झूठ ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा, और जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती हमारे मुख्य आरोपी तुम ही हो, और तब तक तुम सलाखों के पीछे ही रहोगे। ये बेगुनाह है इंस्पेक्टर साहब। तुम कौन हो? मैं इनका छोटा भाई जतिन हूं। भाई मैंने खून नहीं किया है। मुझे पता है। तुम इतना यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? क्योंकि खून मैंने किया है। भाई मुझे बचाने के लिए ये सारे इल्जाम अपने ऊपर मत ले भाई। साहब ये झूठ बोल रहा है। साहब ये झूठ बोल रहा है। मैं सच बोल रहा हूँ सर, क्योंकि संगीता मुझे काफी टाइम से ब्लैकमेल करती आ रही थी। तुम भी संगीता को जानते हो? हाँ। क्या? पर मैं ये नहीं जानता था कि संगीता मेरे भाई को भी ब्लैकमेल करती आ रही थी। संगीता ने वैशाल के कजिन भाई जतिन को सोशल मीडिया के जरिए संपर्क किया था, फिर कुछ ही दिनों में उनकी दोस्ती घनिष्ठ रिश्ते में बदल गई। फिर एक रात उन दोनों के बीच एक अश्लील वीडियो MMS चैट हुआ। संगीता ने इसी अश्लील वीडियो चैट के द्वारा जतिन को ब्लैकमेल करना शुरू किया। जतिन शुरू शुरू में तो उसे पैसे देता रहा, और बाद में वो परेशान हो गया, और जब संगीता ने उससे 10 लाख रुपए की मांग की तो परेशान होके जतिन ने उसका मर्डर प्लान कर दिया।
पर इत्तफाक देखिए, उसी समय संगीता जतिन के ही कजिन भाई विशाल को भी ब्लैकमेल कर रही थी और इस मर्डर केस में विशाल फंस गया। इंस्पेक्टर साहब, मेरे गुनाहों की सजा मेरा भाई नहीं भुगतेगा। ये रहे मेरे और संगीता के बीच हुए वीडियो चैट और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की सारी डिटेल्स। क्योंकि इसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, वो भी सबूतों के साथ, तो अब ये हमारी हिरासत में रहेगा और तुम फिलहाल के लिए रिहा हो। लेकिन जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती तब तक शहर छोड़ने की गलती मत करना। हवलदार सर, इसको हिरासत में लो। ओके सर। इस बारे में कोई शक नहीं कि सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया हमारी जद में आ गई है। एक दूसरे से संपर्क करना काफी आसान हो गया है, पर सोशल मीडिया आसानी के साथ साथ कुछ मुश्किलें भी लाती है। बहुत जरूरी होता है सोशल मीडिया पे सतर्क रहना, और जो सोशल मीडिया पे सतर्क नहीं रहता वो इसका खामियाजा जरूर भुगतता है। सोशल मीडिया पे किसी पे आंख मूंद के भरोसा करना किसी गहरी खाई में जाने के बराबर है। इसलिए सोशल मीडिया पे सतर्क रहिए, होशियार रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।